अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे वेज के लिए फ्लावर। ये मैंने वुलन लिए है, 25 ग्राम है और दो कलर मैं यूज़ करूँगी, पिंक एंड डार्क ब्लू। ये मैंने 5 चेन्स बनाए हैं, स्लिप स्टिच लगाएंगे। वन टू थ्री चैन बनाई है मैंने और इसके ऊपर डबल क्रोशिया हम स्टार्ट कर देंगे। वन टू थ्री और ये 10 डबल क्रोशिया बनाए हैं मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डबल क्रोशिया बनाए हैं मैंने फर्स्ट राउंड में। सेकेंड राउंड स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे हम। 3 चैन बनाए हैं मैंने और नेक्स्ट चैन में 1 डबल क्रोशिया बनाया है। 10 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 20 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चैन 2 डबल क्रोशिया। सेकेंड रो हम इसी तरह से बनाएंगे, ये आप लोग देख सकते हैं, 1 चैन 2 डबल क्रोशिया। 10 के ऊपर 20 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, 1 चैन 2 स्टिचेस। सेकेंड राउंड इज कंप्लीट, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। आप लोग देख सकते हैं ये इस तरह से बना है। ये 20 डीसी हैं टोटल सेकेंड रो में। नेक्स्ट कलर स्टार्ट करेंगे, डार्क ब्लू कलर लिया है मैंने। नेक्स्ट इसके साथ जॉइंट्स करेंगे इस तरह से। और इसकी आउटलाइन लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है आपने चैन के अंदर से। ये इसकी आउटलाइन है। ये हमारी आउटलाइन कंप्लीट हो गई है इसकी। इसी तरह से ये बनते जाएंगे। ये कंप्लीट हो गए हैं, ये हम 5 पीस बनाएंगे इसके। 1 2 3 4 और एक और पीस भी बनाएंगे। ये 5 पीस होंगे और बड़े वाले 4 पीस होंगे। ये बड़े वाला पीस भी सेम इसी तरह बनाएंगे जिस तरह हमने छोटा बनाया था। यहाँ पर हम 20 के ऊपर 30 डीसी और बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया में से 1 एंड नेक्स्ट में से 2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। 1 चैन 2 डबल क्रोशिया एंड नेक्स्ट 1 चैन 1 डबल क्रोशिया। टोटल इसके 50 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम बड़े पीस के लिए। पहले 10 डबल क्रोशिया, फिर 20 और फिर उसके ऊपर 30 और। इस तरह से हमने बनाते जाना है। अब हम फ्लावर की शेप देंगे। आप लोगों ने पीस को लिया इस तरह से किया और इस तरह से सुई के साथ टंके लगा देने हैं। ये बहुत इजी है।
इसी तरह से आपने करते जाना है। नेक्स्ट पीस जॉइंट करेंगे इसके साथ। इसी तरह से ये पीस लगा दी है मैंने और सुई के साथ इनको जॉइंट्स कर देना है। ये हमारा फ्लावर तैयार हो गया है। अब हम नेक्स्ट ये वाला फ्लावर बनाना सिखाएंगे आपको। इसके लिए मैंने 100 चैन बनाई है, 5 चैन और बनाऊंगी और जहाँ पे ये फिट होगा वहीं पे स्लिप स्टिच लगा देंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5 नेक्स्ट 5 चैन एंड स्लिप स्टिच। इसी तरह से हमारे जितने भी बॉक्सेस बनेंगे हम लोग बनाते जाएंगे इस तरह के बॉक्सेस चैन से। 5-5 चैन बनाते जाएंगे और जहाँ पर भी वो फिट होगी वहीं पर हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। इसी तरह से हम बनाते जाएंगे जिस तरह ये बॉक्सेस बने हुए हैं छोटे छोटे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 बॉक्सेस बने हैं मेरे पास। अब हम इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 3 चैन बनाएंगे और इन्हीं बॉक्सेस के अंदर से डबल क्रोशिया स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डबल क्रोशिया बनाए हैं मैंने। यहाँ पर हम 1 स्लिप स्टिच लगाएंगे इसको शेप देने के लिए कि इस तरह से बना है। 3 चैन बना के फिर नेक्स्ट 10 डबल क्रोशिया स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हम हर एक बॉक्स में से 10 डीसी लेंगे। 10 डबल क्रोशिया बनाना है हर एक बॉक्स में और 10वें डबल क्रोशिया पर स्लिप स्टिच लगा देना है। ये इस तरह से बना है हमारा और अब हम इसको फ्लावर की शेप देंगे। इसी तरह से फोल्ड करते जाना है और सुई के साथ छोटे छोटे टांके लगाते जाना है और ये हमारा फ्लावर शेप में आता जाएगा।
ये वेस के लिए हमारा सेकंड फ्लावर था, ये इस तरह से होगा। यहाँ पर हम इसको जोड़ देंगे ताकि इसकी शेप वाज़े हो जाए। तो ये फ्लावर हमारे तैयार हो गए हैं। ये हमारा बड़ा फ्लावर है जो हम दरमियान में रखेंगे। इसके साथ मैंने केबल वायर यूज़ की है। ये हमारा बेस है जिसमें हम फ्लावर रखेंगे। इस तरह से हमने रखना है तरतीब के साथ। जी फ्रेंड, तो हमारा ये बेस तैयार हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।